हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। हर बार की तरह इस बार भी हम एक जटिल विषय को लेकर आए हैं और उसको सीधे और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, किस उस पर लगता है, और आप इसको अगर कोई बचाने का कोई तरीका है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है और लगता कैसे है। तो कैपिटल गेन टैक्स, जैसा कि नाम है, कि आपके पास कोई भी इस तरह की संपत्ति जिसको आप बेचते हैं उस पे कैपिटल गेन लगता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेजिडेंशियल या आवासीय संपत्ति की। रेजिडेंशियल संपत्ति या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं 24 महीने के अंदर, खरीदने से 24 महीने के अंदर, तो उस पे लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या STCG। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो आपको लगेगा वो 24 महीने के अंदर बेची हुई संपत्ति पे लगेगा और उसकी इनकम पूरी की पूरी आपकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। जो आपकी अदर इनकम है या जो आपकी मेन इनकम है उसमें क्लब कर दी जाएगी और टैक्स उस पे लगेगा। लेकिन अगर आप उस संपत्ति को 24 महीने से ज़्यादा पे बेचते हैं या 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उस पे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या STCG। इसकी दर 20.8% है, 4% सेस मिला के। इसमें आप 20% के साथ टैक्स देने के बाद आप कैपिटल गेन टैक्स को संपत्ति से जो आपने दिया है उसमें आप अपनी इनकम के साथ दिखा सकते हैं। इनकम और कैपिटल गेन अलग अलग दिखाना होगा। अब अगर आपको इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 54 के तहत अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के बाद खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। उसके तहत आपको छूट मिलेगी इस सेक्शन के तहत, और उसमें छूट के लिए आपको 1 साल से 3 साल का समय दिया गया है जिसमें आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसमें अभी नए प्रोविजंस के हिसाब से आप 2 प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं रेजिडेंशियल, बट उसमें मैक्सिमम छूट जो आपको मिलेगी वो होगी 2 करोड़ रुपये। दो के बाद अगर आप कोई और खरीदते हैं तो उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 करोड़ है। 2 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो 2 करोड़ तक मैक्सिमम 2 मकान या 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उस पर आपको छूट मिल सकती है। ये छूट जो मैंने बताई ये भी आपको सिर्फ एक बार ही अलाउड है, दूसरी बार में ये छूट नहीं मिलेगी। अभी इस बार के बजट 23-24 में सेक्शन 54 में उसके तहत आपको ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए तक की अलाउ करी गई है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का आप किसी तरह का वो कर सकते हैं। अदरवाइज 10 करोड़ से ऊपर पे कोई छूट किसी तरह की नहीं है। इसके बाद आता है कि हम किस तरह से और छूट या किस तरह से जो अपना रिटर्न है इस 50 खास करके कैपिटल गेन का, उसको कैसे भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं। तो आइए इस पे बात करेंगे। हमको अपना रिटर्न कैपिटल गेन का, खास करके टैक्स का या इनकम का, कब और कैसे फाइल करना होता है इस पे बात करेंगे। हम अपने कैपिटल गेन इनकम को किसी भी तरह से अपनी इनकम के साथ अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। उसमें उसकी डेट ड्यू डेट से पहले ही हमको फाइल करना होता है। अदरवाइज़ अगर हम नहीं फाइल करते हैं तो उस पर जो हमारा LTCG टैक्स आ रहा है वो हमको देना होगा। तो इसलिए डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स की जो जमा करने की डेट्स हैं वही आपके कैपिटल गेन के लिए हैं। उसको आप अलग मत समझिए कि उसके लिए कोई अलग से इनकम टैक्स की तरह कैपिटल गेन की आपकी कोई अलग से डेट होती है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये कैपिटल गेन अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलता है, और इसमें आप कैपिटल गेन अपना जो प्रॉफिट आया या कैपिटल गेन आया इसको कब और कैसे जमा कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन अकाउंट एक बैंक में खुलता है, जो सरकारी और प्राइवेट बैंक सब में खुल रहा है। उसमें होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें, या तुरंत समझ में नहीं आ रही कि एक बेची है दूसरी खरीदने में नहीं समझ में आ रही, तो आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट में पार्क कर सकते हैं। उसके लिए समय सीमा आपको दी जाती है 2 से 3 साल, जब तक आप पार कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपको LTCG या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर देना होगा। इसकी भी कैपिटल गेन अकाउंट की सीमा 10 करोड़ रुपए तक रखी गई है, जिसमें आप मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक अपना पैसा पार कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचने के बाद खरीदी है सपोज़, और उस पर टैक्स छूट ली थी या कैपिटल गेन एग्जेम्पशन किसी तरह का लिया था, और उस प्रॉपर्टी को भी अगर आप 3 साल से पहले बेच देते हैं तो आपने जो भी छूट ली थी वो आपको पूरी की पूरी वापस जमा करनी होगी इनकम टैक्स को,
और जो आपने किसी भी तरह का बेनिफिट उस पर लिया था वो आपकी सारी छूटें वहाँ पे कैंसिल होके आपको अपने रिटर्न में दिखा के अपनी इनकम के साथ क्लब करके अपने इनकम में दिखाना होगा और उस पर जो टैक्स आएगा वो आपको टैक्स देना होगा। इसके बाद आता है कि क्या हम अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते, बैंक में पैसा उस तरह से नहीं रखना चाहते, तो क्या हमारे पास कोई और तरीका है? तो हाँ, एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन बॉन्ड्स, जो 54EC बॉन्ड्स के नाम से या कैपिटल गेन बॉन्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें कई सारी 4 कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं, जिसको बोलते हैं NHAI, REC, PFC और IRFC। ये अपने बॉन्ड्स आपको देती हैं, कैपिटल गेन बॉन्ड्स, जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इसकी भी लिमिट है 50 लाख। एक साल में आप फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपये तक लगा सकते हैं। इनमें 5 साल तक का लॉक इन होता है और 5-5.5 या इस तरह इस समय जो चल रहा है वो 5.25% का ब्याज है। ये ब्याज आपको छमाही या सालाना जैसा कंपनी निर्धारित करे वैसा देती है और वो टैक्सेबल होता है। इसको आप अपनी इनकम में क्लब करके इंटरेस्ट को दिखाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 साल बाद जो आपको पैसे मिलते हैं वो फ्री होते हैं, उस पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि आप पहले ही उस पर एक तरह से बॉन्ड में अपने पैसे जमा करके 5 साल के लिए लॉक इन कर चुके होते हैं। तो आज के लिए कैपिटल गेन बॉन्ड्स पे इतना ही। मैं समझता हूँ आज मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको कैपिटल गेन बॉन्ड्स या कैपिटल गेन टैक्स पे काफ़ी कुछ समझाने की। अगर और कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स में अपना ज़रूर, किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। Thank you.